का जो प्रदर्शन कितने दिन हो चुके हैं करते हुए और क्या डिमांड है? मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। आज हमारे धरने प्रोटेस्ट को 650 दिन के करीब होने वाले हैं और इन 650 दिनों में हमने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी किए और सर्दी गर्मी फिर सर्दी फिर गर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक अधिकारी को, चाहे वो LG साहब हो, 11 नवंबर 2020 का वादा हम पिछले 650 दिनों को याद करवा रहे हैं जो उन्होंने राजभवन में हमारे साथ किया था कि DDC इलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपके माध्यम से LG साहब से और तमाम अधिकारियों से जो 4 मार्च को हमने कंपनी बाग का प्रोग्राम किया था, हमें मजबूर ना किया जाए, हमारा पेंडिंग हमारी पॉलिसीज जो रोकी हैं वो दे दी जाए। उसके साथ साथ हम जल्दी ही जो हमारे साथी डेली वेजर शहीद हो गए ड्यूटी के दौरान, जिनकी डेथ हो गई है PHE में काम करते करते, उनकी याद में श्रद्धांजलि समारोह श्रद्धांजलि मनाने जा रहे हैं, श्रद्धांजलि समारोह मनाने जा रहे हैं। उस समारोह में हम कोशिश करेंगे तमाम उन साथियों की फैमिलीज यहाँ पे आए और हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी देखें, पिछले 10 सालों में जो डेली वेजर अपनी पॉलिसी के लिए लगातार लड़ रहा था वो अपने प्राण इन लोगों को दे गया, इस समाज को दे गया, इस डिपार्टमेंट को दे गया और घर क्या ले गया, उसकी बीवी बच्चे आज दर पर ठोकरें खा रहे हैं। इस तरह जो साथी रिटायर होकर चले गए उनका भी पेंडिंग नहीं दिएगा, आज वो बुजुर्ग होके घर गए, ना वो घर के ना गार्ड के। कल भी हमारे कई साथी जो 60 साल के होकर रिटायर हो घर गए, उनकी कंडीशन आप देख सकते हैं, उनको घर जाने के लिए किराया नहीं था, जो उनकी पेंडिंग 70 से लेकर 85 महीने तक वो भी नहीं दी गई, ये ह्यूमन राइट वायलेशन है और इस वायलेशन को आज की डेट में नहीं दूर किया गया तो कभी भी दूर नहीं होगी। हम लोग अपना पूरा तन मन धन इस एजुकेशन में लगा चुके हैं, इसीलिए लगा चुके हैं हम अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए, और जो हमारे गले में एक डेली वेजर का टैग, कैजुअल वेजर का टैग पड़ा, उस टैग को हमें निकालना, हम किसी भी हद तक जाएंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपना हक लिए बाहर वापस नहीं जाने वाले। और साथियों को अपील है, वोट की चोट से अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए और उन लोगों को निशानदेही कीजिए जो आपको बार बार मैनिफेस्टो में रखते हैं लेकिन आपका काम नहीं करते। आज वो गली गली वो लीडर आपको मिलेंगे लेकिन पिछले 10 साल से आप जब उनके दरवाजे पर जाओ तो आपको वो मिलते नहीं थे, ना मिलने का टाइम देते। ये सारी चीज़ें आप याद रखे, अपने बच्चों को सामने रखे वो चीज़ याद रखिए कि हमें क्या करना है। लेकिन लास्ट हमारी डिमांड SRO 64 था रेगुलर पासी और 70 से लेकर 85 महीने का पेंडिंग सरकार दे दे तो हम लोग ये धरना प्रोटेस्ट खत्म करें, अदरवाइज ये धरना प्रोटेस्ट चलता रहेगा। 650 दिन कोई छोटी टाइम नहीं होता, अगर सरकार चाहे कल हमारा जो SRO होल्ड किए उन होल्ड को खत्म करके रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है।